हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको लगातार ये न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी कि आपका जो सीएसआईआर नेट का पेपर है उसमें क्या है, चिटिंग करवाई गई है। अब चिटिंग और लीक होने में थोड़ा डिफरेंस होता है। चिटिंग का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर एरियो पर ही, वहाँ उस टाइम ऑन द स्पॉट ही बच्चों को चिटिंग करवाई जा रही थी। तो ये ऐसा जो सीन देखने को हमारे मिला है, मेरिट जो है हमारे यूपी में, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है सुभारती करके, तो वहाँ पर क्या है ये सीन देखने को मिला है। और ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने इस चीज़ का पता लगाया है। अब यहाँ पर बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब ये पेपर उस पर्टिकुलर उस सेंटर पर ही हुआ है लीक, चिटिंग करवाने वाली चीज़, तो और लोगों का कैंसिल होगा कि नहीं होगा, या फिर हमारा ये चीज़ जो है शिफ्ट फर्स्ट में हुई थी, जो कि मॉर्निंग में 9 to 12 के बीच में हमारा पेपर कंडक्ट करवाया था। सेकंड शिफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं लगाया है, मे बी बाद में पता लगे कि नहीं लगे। तो यहाँ क्या है, किस तरीके से ये चिटिंग करवाई गई थी। चिटिंग जो है एनीडेक्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उसके थ्रू क्या है उनमें एक एड्रेस दिया हुआ रहता है। वो एड्रेस अगर हम कहीं भी हमारे दुनिया में कोई भी इंसान अगर बैठा है तो वो उस चीज़ का एक्सेस उसको अगर मिल जाता है तो कहीं से भी हमारे कंप्यूटर को जो है वो हैक करके चला सकता है आराम से, अगर हम वो हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट वो चीज़ हम उसको दे देते हैं। तो इस तरह से ही क्या है, आउटसाइड जो सेंटर के बाहर की तरफ कुछ लोग बैठे थे तो उन लोगों को वो सब चीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी। तो आउटसाइड बैठे हुए वो सब चीज़ें कर रहे थे, बच्चों को ऑन द स्पॉट ही चिटिंग करवा रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो अगर लीक होता पेपर तो पहले ही बच्चों के पास पेपर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो क्योंकि ऑनलाइन पेपर था। तो इसके लिए क्या है, उसी टाइम एनीडेक्स करके जो एक हमारे सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू ये चिटिंग हुई थी। अब ये चीज़ क्या बहुत बेकार है। अब जो बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया था, जिनका ये कि 100% श्योरिटी थी कि हमारा पेपर होगा, लेकिन उनके साथ क्या धोखाधड़ी होगी, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब जो बच्चा एक मेहनत करके जा रहा है वहाँ पर, एक बच्चा है जो बिना मेहनत के जा रहा है, एज अ ट्रायल भी जाते हैं काफ़ी बच्चे, तो जो मेहनत करके जा रहा है उसके लिए बहुत बड़े लॉस की बात है कि हमारा पेपर हम इतना अच्छा करके आए हैं, हमारा सिलेक्शन पक्का था, उसके बाद भी हमारा पेपर अगर कैंसिल होगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। तो मे बी ऐसा ना हो कि ये लोग कैंसिल ही करें, क्योंकि पर्टिकुलर एरिए पर हुई है चिटिंग वाली जो चीज़ है, सब जगह नहीं हुई है, और सब जगह अगर होती तो वापस से सारा पेपर करवाना, कंडक्ट करवाना बहुत हैटिक सा हो जाएगा। तो इस वजह से यही है कि जहाँ पर जिस एरिया में हुआ है तो उस एरिया का क्या है, हमें पेपर को कैंसिल करवाना चाहिए, और उसी एरिया पर ही हमें हमारा जो पेपर है वो वापस से करवाना चाहिए उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का। क्योंकि एक बार पहले भी, आज से 1 या 2 साल पहले, एक जगह हरियाणा थी शायद वो जगह, वहाँ पर क्या है उस यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे थे सारे टॉपर थे। अब जितने भी टॉपर बच्चे, उस टाइम क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार क्या है ये चीज़ जो चल रही है, स्कैम वाले, पहले नीट हुआ, फिर यूजीसी हमारा नेट हुआ, अब इस बार सीएसआईआर नेट हुआ, तो ये चीज़ क्या पकड़ में आ गई। पहले की चीज़ पकड़ में नहीं आ रही थी, आज तक भी पता नहीं है वो कौन करवा रहा था, कौन से बच्चे थे, बट ये पता है उस सेंटर के लगभग जितने भी बच्चे थे सबका नेट क्वालिफाई हुआ है। अब ये चीज़ तो क्या, जो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद एक टाइप का हो गया, क्योंकि एक तो हम पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ने के बाद भी हमारे साथ ऐसी चीज़ होगी तो बहुत गलत है। तो इसके लिए क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हो बहुत अच्छे से, आपका सिलेक्शन हो रहा है, और जो बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे उनका बिना पढ़े भी अगर यहाँ नेट इनका क्लियर हो रहा है तो बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि इनका अगर ये नहीं पढ़कर भी क्या कर लेंगे, आपको पता है अगर ये वाली डिग्री ले लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद आगे जाके क्या करेंगे, तो इनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि आगे जाके इनको पीएचडी करनी होगी, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी होगी, तो ये कैसे कर सकेंगे, इनके पास नॉलेज ही नहीं है, वो ओनली चिटिंग से पैसे दे करके अगर अपनी सीट ले रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस चीज़ के लिए क्या है, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जिसका पेपर ये है कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, इस चीज़ का तो फैसला अभी थोड़े दिन बाद होगा, अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा, ये चीज़ें सब बाद में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि हम लोग पढ़ के आए थे बहुत ज़्यादा ये वो, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, नॉर्मली अभी देखना है, थोड़ा टाइम वेट करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आपका पेपर कैसा गया, आप ये सब चीज़ें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अभी हमें क्या करना चाहिए आगे अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट जो उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी जो स्टूडेंट्स है, एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा रहा है, क्योंकि अगर यही चीज़ें भी किसी और चीज़ की होती तो सब लोग इधर से उधर बोलने वाले खड़े हो जाते हैं। अब लेकिन ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम में हो रही तो कोई भी यहाँ बोलने वाला नहीं है, तो इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को ही आवाज़ उठानी होगी। आई होप आपको जो मैं जो समझाना चाह रही थी वो समझ में आया होगा। थैंक यू।